जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो ये है भाई हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी A53 5G। सैमसंग ने पता पतला डब्बा क्यों बनाया था कि आप क्विक अनबॉक्सिंग कर सके। ये नहीं चाहते कि आपका टाइम वेस्ट हो। फोन भाई मैं सुबह से टेस्ट कर रहा हूँ और ये रैपर था एंड एक टाइप सी टू टाइप सी केबल सिम इजेक्टर टूल। और सबसे पहले यही देख लेते इसी बात पे। तो हाइब्रिड सिम स्लॉट, एक सिम या फिर एक मेमोरी कार्ड या फिर दो सिम। तो बॉक्स के अंदर भाई कोई चार्जर नहीं है, तो मैं अभी की डेट में डेफिनेटली चार्जर देना चाहिए, यही बात मैं भी बोलूंगा, आप भी बोलोगे। फोन की प्राइसिंग की बात करें वो है 34,500 6GB के साथ, ₹1 कम। 3,000 का कार्ड डिस्काउंट है तो 31,500 का फोन मिल सकता है कार्ड अगर आपके पास है। तो वापिस आते हैं फोन के ऊपर। ये ए सीरीज का फोन है और ए सीरीज में ये 5 सीरीज वाला है। 5 सीरीज मतलब 50, 50S, 52, एक्सिनोस 9610 था वहां पर, फिर एक्सिनोस 9611 आया, फिर स्नैपड्रैगन 720 आया एंड A52s में स्नैपड्रैगन 778 आया। इस सीरीज का मेन टारगेट रहा हमेशा से डिस्प्ले, कैमरा और लास्ट ईयर A52s में प्रोसेसर भी था भाई तगड़े वाला है 778। इस साल क्या कैसे मिलता है वो सब आपको मैं शेयर करता हूँ। ये देख सकते हो कुछ वैसा सा है, मैट फिनिश के साथ आता है, प्लास्टिक बैक, प्लास्टिक फ्रेम या फिर ग्लास्टिक जो मर्जी बोल लो आप, बट ये काफी लाइट वेट है और ये मैट फिनिश अच्छा लगता है दिखने में, नो डाउट। तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस चेंजेस बताता हूँ। ये कैमरा बम को हल्का सा यहाँ एंगल चेंज कर दिया है, फ्रेम को हल्का सा बॉक्सी कन्वर्ट कर दिया है, बहुत ही हल्का सा, अभी भी नहीं तो कर्व फील होता है। बैटरी ज्यादा है, 5000mAh की बैटरी है इस बार इसके अंदर, लास्ट ईयर 4500mAh थी। लेकिन एक चीज यहाँ से गायब हो चुकी है जो लास्ट ईयर थी अभी नहीं है, वो है 3.5mm जैक। और लास्ट ईयर के कंपैरिजन इस बार इन्होंने भाई 4+5 चार एंड्रॉयड अपडेट और 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलने वाला है इस फोन के साथ। एक अच्छा स्टेप है, आई होप ये कंटिन्यू रहे, बाकी सब लोग भी फॉलो करें। तो कुछ ये चेंजेस मिलेंगे, बाकी लास्ट ईयर की तरह यहाँ पे डुअल स्पीकर है, IP67 की रेटिंग है, कभी पानी वगैरह मतलब बरसात हो जाए कुछ भी हो जाए टेंशन नहीं होगी आपको। जैसी बात है लेटेस्ट एंड्रॉयड 12 मिलेगा और UI लेटेस्ट 4 के साथ। और एक चीज सैमसंग के फोन के साथ बताना पड़ता है, कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाती है, बिना सामने वाले को बताया, जो कि सिर्फ UI में मिलता है आज की डेट में। और हैप्टिक फीडबैक एक्सपीरियंस नॉर्मल वाला, कैरियर रेडिएशन का सपोर्ट मिल जाता है। बाकी ये आता है एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ, 6.5 इंच की 120Hz डिस्प्ले है ये, और इसकी जो मैक्सिमम मतलब ब्राइटनेस है ना वो है 800 nits। बाय द वे 800 nits सुनने में लगता ना आपको, काफी सारे फोन में 1000 nits वगैरह भी आती है। इसकी डिस्प्ले ब्राइटनेस सिर्फ नंबर से जज मत करना, प्रैक्टिकल, क्योंकि मेरे पास फोन है, आप आउटडोर वगैरह में जाते हैं काफी ब्राइट लगती है। कलर्स आते हैं वो काफी अच्छे आते हैं, सैमसंग की डिस्प्ले है, कलर से आपको शिकायत नहीं होगी, इनफैक्ट पसंद ज्यादा आएगा। तो ब्राइटनेस अच्छी है और यहाँ पे इन डिस्प्ले स्कैनर मिल जाता है टिपिकल जैसे सैमसंग का आता है। और टिपिकल मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये जैसे पहले होता था ना वैसा ही, एनिमेशन हल्का स्लो फील होगा बट ये एक्यूरेसी में कोई दिक्कत नहीं, हर बार अनलॉक हो जाएगा। बाकी गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन साथ में। इसके अंदर एक चीज बताता हूँ आपको, यहाँ ना वाइड बैंड L1 का सपोर्ट मिल जाता है, ये HDR10 के साथ आती है, लेकिन नेटफ्लिक्स पे अभी भी HDR10 नहीं सपोर्ट करता। YouTube में भी ना आपको यहाँ पर HDR वीडियो का सपोर्ट इसीलिए देखने को नहीं मिल रहा है अभी की डेट में। और मैक्सिमम आप 1080p तक जा सकते हैं, मे बी प्रोसेसर लिमिटेशन वगैरह होगी या जो भी, अभी हम प्रोसेसर पे चलते हैं। परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो यहाँ पर प्रोसेसर मिलता है इस बार Exynos 1280 5nm बेस्ड, 10 5G के बैंड मिलते हैं, LPDDR4X RAM है, UFS 2.2 स्टोरेज है। अब आपके मन में आएगा प्रोसेसर कहाँ स्टैंड करता है एक्चुअल में। अब नया प्रोसेसर था तो थ्रोटल टेस्ट करना तो बनता था, तो मैंने थ्रोटल किया और अगर आप ग्राफ का परसेंटेज देखेंगे तो ग्राफ अच्छा है, परसेंटेज अच्छा है, लेकिन इसके जो स्कोर आते हैं ना, जिप स्कोर बोलते हैं इसको, ये कम आते हैं। ये प्रोसेसर पर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा जिस हिसाब से प्रोसेसर होगा स्कोर कम ज्यादा होते हैं, और ये स्कोर जिस प्राइस में फोन आता है उसके हिसाब से कम है। तो मुझे जो समझ में आया इस फोन को यूज करके, मैं इसको कहना चाहूंगा, इसको एक प्रोसेसर को इसको आप मिड रेंज से कंपेयर करो, लाइक स्नैपड्रैगन 750 765G कुछ ऐसा सा, अदरवाइज इस रेट में आपको 778 870 ऐसे ऐसे प्रोसेसर का स्कोर जो आता है वो हाई होता है। बाकी अगर बात करें तो इस फोन का जो मतलब परफॉर्मेंस है ना, वो जैसे नॉर्मल जो आप टास्क करते हो ना, ये देख सकते हो आप, यहाँ पर कुछ इस तरीके से चीज़ें ओपन हो जाती हैं, ये अभी रैम में नहीं था तो इस स्पीड से ओपन होती है। अगर रैम में जो चीज़ें चली जाती हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, जैसे गेमिंग वगैरह जो लोग करना पसंद करते हैं। भाई ये वन UI के साथ ब्लॉटवेयर मिले थे, ओहो मेरा फेवरेट, कर लो बेटा मौज। तो ये मैंने अनइंस्टॉल नहीं किए थे, तो कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है इसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, तो ये मैंने सारे अनइंस्टॉल कर दिए भाई, ये प्राइम और मैंने ये पबजी यानी कि BGMI खुद इंस्टॉल किया था। सिक्योर फोल्डर तो मोस्ट जरूरी फीचर है भाई वन UI का, बाकी सब ये कुछ इस तरह से मिलता है। और मैंने कुछ और एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी, जैसे कि यहाँ पर गेमिंग के लिए बता रहा था मैं, तो BGMI में तो मोस्टली आपको पता है सैमसंग के फ़ोन जो होते हैं गेमर्स को टारगेट नहीं करते, ये और भी ज़्यादा नहीं करता, लेकिन ये ना मैंने मतलब आपको सेटिंग वगैरह दिखाने के लिए डाउनलोड किया था,
तो ग्राफिक सेटिंग अगर आप देखोगे ना तो 30 FPS तक का ऑप्शन मिलता है, मतलब BGMI वगैरह क्या ही खेलोगे इसमें आप, सिर्फ सेटिंग दिखाने के लिए इंस्टॉल किया था। कैजुअल गेम जैसे ये मिनी मलेशिया, ये अपने टाइम का BGMI था। मार के खुद मरेंगे, तो इस तरह की आप बेसिक गेम्स खेल पाओगे। तो आई थिंक मैंने प्रोसेसर को काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, बाकी मैं टेस्ट करूंगा भाई। अभी आया मेरे पास फ़ोन, एक्चुअली आया तो पहले से था, बट मतलब इतने सारे फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं भाई, क्या क्या किया जाए, तो इसका नंबर आज लगा। बाकी यस, ये सीरीज जिस चीज़ को मैं मोस्टली टारगेट करती है वो होता था कैमरा। कैमरा सेटअप यहाँ पे देखोगे तो वही सिमिलर सा दिखेगा। यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का मेन सोनी सेंसर के साथ कैमरा है, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल यहाँ पे डेप्थ है, 5 मेगापिक्सल मैक्रो है, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है। और यहाँ पर भाई वही 1080p 60 या फिर 4K 30 FPS का ऑप्शन मिलेगा। सेम यही सेटिंग सेल्फी कैमरा में मिल जाएगी। तो कई लोग ऐसे मुझसे पूछते हैं क्या भाई रिकॉर्डिंग करते हुए जो कैमरा स्विच होता है ये मतलब 4K ही रहता है कि बीच में 1080p हो जाता है। देखो मैं दिखाता हूँ, टेस्ट कर देते हैं। ये रहा 4K 30 FPS, ये शूट हो रहा है, ये सेल्फी कैमरा है, ये मैंने स्विच किया मेन कैमरे पे, ये है अल्ट्रा वाइड, ये फिर इस पे, ये 2x डिजिटल जूम, अगेन मैंने स्विच कर लिया। तो यहाँ पर इस वीडियो के प्लेबैक ऑप्शन में ना, आई मीन डिटेल में जाते हैं, 4K पे ही रहता है, ऐसा नहीं कि ये स्विच कर जाएगा। रिकॉर्डिंग करते करते टाइम फॉर्मेट चेंज करता है भाई, थोड़ा अजीब हो जाता, तो 4K पे ही रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाय द वे ये फ़ोन OIS के साथ आता है, OIS वाले फ़ोन को ऐसे शेक करो तो आवाज़ आती है, आती है, इसका मतलब भाई कैमरा इसका मूव तो कर रहा है। एक वीडियो टेस्ट कराया जाता है 1080p 30 FPS, बीच में आपके पास 4K 30 FPS और साइड में सुपर स्टडी मोड मिलता है ना सैमसंग के साथ One UI में, जो कि सुपर स्टडी मोड अल्ट्रा वाइड एंगल से शूट करता है, फिर काफ़ी सारा क्रॉप करके सुपर स्टडी कर देता है, वीडियो सबसे स्टेबल रहेगी। 1080p पे यहाँ पे 30 FPS पे EIS मिलता है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल लगेगी, लेकिन यहाँ पर 4K में आपको वीडियो बहुत ज़्यादा स्टेबल देखने को नहीं मिलती। और कैमरा इसका अच्छा होता है मुझे पता है, तो इसीलिए मैंने कहा डे लाइट पहले साइड में रखते हैं, लो लाइट के हिसाब से टेस्ट करते हैं। ये देखो जैसे एकदम मतलब माहौल देख ही रहे हो आप, रात का टाइम है, 12 बज रहे थे, ऐसे ही मैंने फोटो क्लिक कर लिया। फोटो क्लिक करने के बाद इमेज प्रोसेसिंग के बाद आप देख सकते हो कुछ भी ओवर एक्सपोज नहीं हुआ है, यानी कि फोटोज अच्छी मिलने वाली है। इनफैक्ट ये डे लाइट की कुछ फोटोज देख लो, ये मेन कैमरा और 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है ना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि फोटोज एकदम सॉफ्ट हो जाएंगी। हाँ लो लाइट में थोड़ा सॉफ्ट तो होगी, बट वो 8 मेगापिक्सल वाले से बेटर रहेगा, और मेन कैमरे से आप अच्छी फोटोज ले पाओगे, डायनेमिक रेंज हो चाहे डिटेल्स हो या फिर पोर्ट्रेट मोड, सब कुछ काफी सही से आता है। इनफैक्ट सेल्फी जो आती है सेल्फी फोटोज भी काफी अच्छी मिल जाएंगी आपको, ये कुछ सेल्फी सैंपल्स है आपके सामने। तो एक समरी तैयार करूँ इसकी, समरी ये है ये फोन अच्छा है, बस इस बार ये लोग परफॉर्मेंस को यहाँ पे काफी मिड रेंज में ले गए। तो कुछ ऐसा सा है भाई ये फोन, और जो मोस्टली फीचर्स आते हैं ए सीरीज में, जैसे फोन में मैंने बताया था One UI के, तो सारे फीचर्स लाइक NFC, नॉक सिक्योरिटी, सिक्योर फोल्डर, वो सब कुछ देखने को मिलने वाला है। डुअल स्पीकर है, IP67 की रेटिंग है, और सैमसंग के यहाँ पे अभी ये 52S, S20 FE5G और ये भी आ गया। आप किसी के बारे में जो जानना चाहते हैं फ्यूचर वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बस ये वाले फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट ज़्यादा मिलने वाले हैं बिकॉज न्यू आया है। कैसा लगा आपको ये फ़ोन कमेंट करके बताना, जो भी सवाल है सब कुछ। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। और आगे लाओ कैमरा, और आगे, राइट राइट।